हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन जो है, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल इंक्लूड टेस्टिस, ओवरी, यूट्रस एंड वजाइना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा टेस्टिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव जर्म सेल ऑफ मेल आर ए ओवा, बी स्पर्मेटोजोवा, सी बोथ एंड बी नन ऑफ द अबव। आंसर जो होगा स्पर्मेटोजोवा का। जर्म सेल आर द स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल दैट डेवलप इनटू स्पर्मेटोजोवा एंड ओसाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा स्पर्मेटोजोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन बॉडी सेल इज ए 23, बी 46 एंड सी 36 एंड डी 32। अगर पेयर में पूछा होता 23 है, बट यहाँ पे पेयर में नहीं पूछा है तो 46 ऑप्शन होगा, तो राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवा एंड स्पर्मेटोजोवा फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जायगोट बाय द प्रोसेस ऑफ ए स्पर्मेटोजेनेसिस, बी फर्मेंटेशन फर्टिलाइजेशन एंड डी जो है नन ऑफ दी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, फर्टिलाइजेशन। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड यूटरस, बी ओवरी, सी लाबिया मिनोरा एंड बी डी वजाइना। तो यहाँ पे लाबिया मिनोरा ऑप्शन होगा, मैनोरा ऑप्शन होगा बी राइट होगा। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन इंक्लूड मॉन्स, प्यूबिस, लेबियम मजोरा, लेबियम माइनोरा। ये सारे ऑर्गन कंसिस्ट करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन लेबियम मैनोरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट करस्पॉन्ड टू पेनिस इन मेल इज, क्या होगा, ये वजाइना, बी क्लिटोरिस एंड सी हाइमन एंड डी जो होगा यूट्रस। विजाइना जो होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन राइट, ये ऑप्शन राइट होगा। एट्थ क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन दैट पार्सली ओक्लूड्स द विजाइनल ओपनिंग क्या होती है, जो विजाइनल ओपनिंग क्या होती है, ये हाइमन, बी क्लिटोरिस एंड सी जो है लाइबिया मेजोरा एंड डी जो है विजाइना। तो यहाँ पे हाइमन जो होती है वो आउटर कवरिंग होती है, ये ओक्लूड करती है ओपनिंग को, और वेरी थिन पाइस ऑफ स्किन टिश्यू कॉल्ड हाइमन पार्सली कवर द ओपनिंग ऑफ द विजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गन ऑफ इंटरनल जेनेटिलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड ओवरी, विजाइना, यूट्रस, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा, जितने होंगे सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, ए यूट्राइन ट्यूब, बी वजाइना, सी फैलोपियन ट्यूब एंड एस्ट्रियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो कनेक्ट करती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो ऑप्शन होगा सी फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ वजाइना हैज़ रिड्ज कॉल्ड, ए म्यूकोसा, बी विलाई, सी सेप्टम एंड डी र्यूग। तो यहाँ पे र्यूग कहा जाता है, र्यूगी, र्यूगे इसे कहेंगे। विजाइनल एपिथीलियम फॉर्म्स ट्रांसफर डिजीज और र्यूगे दैट आर द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द लोअर थर्ड ऑफ द विजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट ऑफ द यूट्रस इज लोकेटेड विद, कहाँ पे होगा, तो पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होता है, बट जब प्रेग्नेंट होंगे तो एब्डोमिनल, प्रेग्नेंट स्टेट आएगी तो एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा राइट, सी ऑप्शन राइट होगा, पेल्विक कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट द यूट्रस वेट इज अबाउट, मेनली ये ऑप्शन जो है 5 to 10 ग्राम, बी ऑप्शन है 30 to 40 ग्राम, सी जो है 100 ग्राम एंड डी जो है 2000 ग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, 30 to 40 ग्राम, बट जब प्रेग्नेंट स्टेट आती है तो लगभग 1.4 to 2 kg तक वेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडिल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस इज, मिडिल लेयर को क्या कहेंगे, ये मायोकार्डियम, बी इंडोमेट्रियम, सी पेरीमेट्रियम एंड डी जो है मायोमेट्रियम। तो डी ऑप्शन राइट होगा, मायोमेट्रियम ही कहेंगे मिडिल लेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 15, द लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस विच इज डेवलप ड्यूरिंग
द फर्स्ट हॉप ऑफ द मेस्ट्रल। तो कौन सी लेयर डेवलप होती है, ये फंक्शनल लेयर, बी बेसल लेयर, सी मायोमेट्रियम, डी पेरीमेट्रियम। तो हमें मायोमेट्रियम डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द डोम शेप्ड, तो 16th क्वेश्चन है द डोम शेप्ड पार्ट ऑफ द यूट्रस अबव द लेवल ऑफ यूट्राइन ट्यूब इज, ए बॉडी, बी सर्विक्स, सी फंडस एंड डी यूट्राइन। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट होगा, फंडस। तो डोम शेप टॉप ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज द फंडस, तो फंडस कहते हैं। 17th क्वेश्चन जो है द लिगामेंट दैट सपोर्ट द यूट्रस, कौन सा लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, यूट्रो सेक्रल लिगामेंट। तो सारे लिगामेंट जो होते हैं यूट्राइन यूट्रस को सपोर्ट करते हैं। तो ऑप्शन जो होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। द डबल लेयर ऑफ द पेरी टोनियम ऑन बोथ साइड ऑफ द यूट्रस दैट हैंग डाउन फ्रॉम द यूट्राइन ट्यूब। तो यहाँ पे क्या ये ऑप्शन है, राउंड लिगामेंट, बी ब्रॉड लिगामेंट, सी ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो बी राइट होगा, ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस इज डबल लेयर फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम दैट अटैच टू द लेटरल पोर्शन ऑफ द यूट्रस टू द लेटरल पेल्विक साइड वॉल्स तक अटैच होता है। तो ऑप्शन जो होगा बी होगा, ब्रॉड लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अ नॉर्मल मेस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर, नॉर्मल जो है वो ए 28 to 30 days, बी 14 to 18 days, एंड सी 4 to 6 days, एंड डी 45 days। तो ऑप्शन ए राइट होगा, 28 to 30 days होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोलोपियन ट्यूब इज अदरवाइज कॉल्ड, और क्या कहते हैं इसको, ये ऑप्शन यूट्राइन ट्यूब, बी वेस्टियन ट्यूब एंड ऑडिटरी ट्यूब एंड नॉन ऑफ द अबव। तो फोलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं, यूट्राइन ट्यूब कहते हैं। यूट्राइन ट्यूब ऑल्सो नोन एज ओबिडक्ट, ओबिडक्ट भी कहते हैं, फोलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और ये क्या करता है, ओबा फ्रॉम द ओबरी, वो ट्रांसफर, ओबा को ट्रांसफर करता है यूट्रस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द यूट्राइन ट्यूब इज अबाउट, कितनी होती है, ये 20 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 0.2 सेंटीमीटर, नन ऑफ द अबव। तो लेंथ जो होती है यूट्राइन ट्यूब की वो 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब इज ऑफ, किसकी बनी होती है, सीलेटेड एपिथेलियम, बी सेरस मेम्ब्रेन, सी साइनोवियल मेम्ब्रेन, डी नन ऑफ द। तो इनर लाइनिंग जो होती है यूट्राइन की ट्यूब की, तो किससे बनी होती है, सीलेटल इपिथीलियम से बनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर टूवर्ड द एंड ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है फिम्बरी कहते हैं उसको, ए रोग्यू, बी फेलेंजस, सी विलाई एंड डी फिम्बरी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, फिम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन द, ए यूट्राइन ट्यूब, बी सर्विक्स ऑफ यूट्रस, सी वजाइना एंड यूरेथ्रा। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है यूट्राइन ट्यूब में होगा। द फीमेल गोनेट्स आर टेस्टिस, ओवरी, वजाइना एंड यूट्रस। तो फीमेल गोनेट जो होता है ओवरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।